Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. मैं समझता हूं कि तमाम भुट्टो फैमिली का तबाही का बाइस और भुट्टो फैमिली में मुर्तजा भुट्टो और बेनजीर भुट्टो के मर्डर का रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार एक आदमी है, आसिफ जरदारी। दोनों को इसने मर्डर करवाया। मुर्तजा भुट्टो को जो इसने मर्डर किया उसकी तो तशवीश, ये 5 साल जो गुजारे इसने प्रेसिडेंसी में, कुछ नहीं किया उसके बारे में, क्योंकि खुद जो एक मुलव्वस है, खुद ने करवाया। नाजरीन, आज बिलावल भुट्टो की सालगिरह है और आज ही के रोज इसको ये सुनने को मिला कि इसकी माँ को इसके बाप ने कत्ल करवाया। इस मुकदमे से जुड़ी तहकीकात पर बात में हम नजर डालेंगे, मगर पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर और सिंध में साबिक वजीर कानून मुर्तजा वहाब से परवेज मुशर्रफ के इस इल्ज़ाम पर रद्द अमल लेंगे। इनके साथ दीगर मेहमानों में शरीक हैं मुस्लिम लीग नून के सेनेटर जावेद अब्बासी साहब और तहरीक इंसाफ की तर्जुमानी कर रहे हैं इसहाक खाकवानी साहब, लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मुर्तजा वहाब साहब, परवेज मुशर्रफ के खिलाफ ये केस 2008-09 से चल रहा है, अब 2017 के अंदर उनको क्या जरूरत पड़ी कि वो अब ये बयान देते कि जी बेनजीर भुट्टो का जो कातिल है वो उनका अपना खावंद, जैसे कि आपने सुन लिया जरदारी साहब है। रहमान रहीम, आई थिंक मुनीजे बड़ा ही अनफॉर्चुनेट स्टेटमेंट है ये जनरल साहब की तरफ से, और दोनों चीजों को एड्रेस करते हैं। उन्होंने मीर मुर्तजा भुट्टो के कत्ल के भी बारे में बात की है, तो 96 का वाक़ है, उसके बाद साहब खुद 10 साल तक दौरे इक्तदार था उनका, आसिफ अली जरदारी साहब जेल में थे और तमाम केसेस उन्होंने इनिशिएट किए, परसू करने की कोशिश की, लेकिन आखिर में कोई चीज़ साबित नहीं हो पाई। तो ओनस तो जनरल साहब खुद जाता है कि अगर शवाहिद ऐसे मौजूद थे तो इल्ज़ाम तराशी नहीं करनी चाहिए, लोगों के सामने आके उनको उस वक्त बात करनी चाहिए थी, 10 साल वो क्या करते रहे। आते हैं बीबी साहिबा के कत्ल के केस के ऊपर। देखें, बीबी साहिबा ने अपने ख़त में ये लिख दिया था कि मुझे सख्त तशवीश है जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट मेरे लिए किया जा रहा है, या लैक ऑफ सिक्योरिटी अरेंजमेंट, और डायरेक्ट इल्ज़ाम उनका जो है वो परवेज मुशर्रफ साहब की तरफ था। मार्क सीगल को जो खत लिखा, बिल्कुल उसका हम जिक्र बाद में करेंगे। जी, जिस तरह फिर क्राइम सीन को वाइप आउट किया गया, वो हम बाद में बात करेंगे, मगर आप ये समझते हैं कि इसलिए चूंकि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी एक पार्टी बन गई है इस केस के अंदर, तो इस केस के अंदर पेशरफ्त हुई है जिसकी वजह से परवेज मुशर्रफ साहब का मुनीजे, देखें आज का दिन इसलिए अहम था कि आज लाहौर हाई कोर्ट की पिंडी बेंच में उसकी अपील लगी हुई थी, आज कोर्ट ने उसको काबिले समात करार दिया, अब फॉर्मल प्रोसीडिंग स्टार्ट होंगी। और नेचुरली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बेसिक इसके अंदर ग्रेवेंस ही यही है कि जो प्रिंसिपल अक्यूज्ड हैं उनको ट्रायल कोर्ट ने लेट ऑफ कर दिया है, और आपने जो इल्ज़ाम या आपने जो है वो आपने दो ब्यूरोक्रेट्स को दिए, तो हमारा फोकस ये है कि जिस शख्स की ईमा पर ये चीज़ की गई आप उसको लेट ऑफ नहीं कर सकते। चूंकि आज लगा हुआ था उस खबर को रोकने के लिए या उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, आई थिंक ये सियासी इन्होंने कलाबाजी खाई है और इसका कोई एक्चुअली हकायक से कोई वास्ता नहीं है। जावेद अब्बासी साहब, आप मुत्तफिक हैं जो मुर्तजा वहाब साहब कह रहे हैं? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक तो मैं ये समझता हूँ कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा की शहादत हम सब के लिए लम्हा फिक्रिया है, बिल्कुल, और बहुत बड़े लीडर से पाकिस्तान महरूम हुआ है। इनकी तो यकीनन वो लीडर, इनको ज़्यादा दुख है, इनके ख़ानदान को ज़्यादा होगा, इनकी पार्टी है। मैं समझता हूँ कि ये कौमी लीडर होते हैं जिनको पूरा पाकिस्तान को बहुत बड़ा, मुझे सिर्फ दो सेफ पैसेज आपने दिया था, दो माजरत के साथ मैं बातें करूँ, एक जनरल साहब को नहीं, एक पीपल्स पार्टी ने जब से इकतदार में आया इन्होंने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का केस उस तरह नहीं लड़ा जिस तरह इनको लड़ना चाहिए था, ना इनके पास भी मौका था, आप भी लड़ सकते थे। मैं, मुझे अगर आप मेहरबानी करें, मेरे पास तो और आपके सवालों के काफी गुस्से वाले होंगे, तो ये मैं जरा कहता हूँ कि मुझे इस पर गुस्सा ना करें, बाकी तो हो रहे। ये इनके पास बड़े नामवार वकला साहिबान थे, इनके पास बड़ी टीम थी। हम कहते हैं कि जब देखो, इनको पता था जब ये, मैं 2008 से पहले का इनको कोई, जब ये इकतदार में आए आसिफ अली जरदारी साहब प्रेसिडेंट थे, प्राइम मिनिस्टर इनका था, वज़ीर-ए-क़ानून इनका था, हुकूमतें सब जगह पर इनकी थी।
अगर इनको शक था कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जिसका लेटर इन्होंने कहा उन्होंने जिन लोगों के नाम लिखे उनको इन्होंने इकतदार में शामिल कर लिया, परवेज मुशर्रफ को इन्होंने रेड कारपेट में बैठ जाने दे दिया। बेनजीर भुट्टो साहबा का केस आप मुझे आप बड़ी बड़ी खबर रखने वाली जर्नलिस्ट ने बड़ी सीनियर ने जानती हैं साहब आपका लॉ से भी आपकी पूरी फैमिली का तलक है, क्या छोटे छोटे इनके केस हैं जो अभी जो इनका कराची में साथी हैं उनके केसेस के मतलब भी इन्होंने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के केस को कोई अहमियत नहीं दी और लड़ना चाहिए था बुजुर्ग और इनके चार साल में कि बेनजीर भुट्टो का केस जो है वो बहुत बड़ा बॉच्ड अप केस है, इसमें कोई शक नहीं। खाकवानी साहब आपकी जिम्मेदारी सर मैं चीज ऐड कर दूं जरूर करें जी कि जो बॉच्ड अप बात की जाती है आपको पता होगा जब 27 एक्सीडेंट हुआ इन्वेस्टिगेशन जो होती है वो उस वक्त की जाती है और बेसिक क्राइम सीन को अगर वॉश कर दिया गया था इसमें तो क्या होगा। अच्छा ये हम बाद में बात करेंगे, मैं आपसे इनिशियल रिएक्शन लेना चाह रही हूँ क्योंकि मैंने तफसीली रिपोर्ट बनाई हुई है उसके अंदर सब चीजें सामने आ जाएंगी। खाकवानी साहब आज मॉडल टाउन केस की बात हो रही है, लाहौर हाईकोर्ट ने ऑलरेडी कह दिया है कि जो मॉडल टाउन केस के अंदर बाकी नजफी साहब की रिपोर्ट है उसको मंजर आम पे लाया जाए। अगर बेनजीर भुट्टो जैसी बड़ी लीडर का सुराग नहीं लगाया जा सकता उसके कातिल का, आप क्या उम्मीद करते हैं कि मॉडल टाउन के इस वक्त जो लवाइकीन हैं उनको जस्टिस मिलेगी, उनको इंसाफ मिलेगा? जी बेनजीर साहबा के कत्ल में और मुर्तजा के कत्ल में जो आप फरमा रहे थे उसमें जो नाकिस सिक्योरिटी इंतजामात पर 17 बरस की कैद की सजा उनको सुना दी है और हेराल्डो मोनिस ने साउद अजीज का जिक्र कुछ इस तरह किया था मेरे साथ। बट यू डू मेंशन मेजर जनरल नदीम इजाज अहमद हु वाज द डायरेक्टर ऑफ द मिलिट्री इंटेलिजेंस। नाउ यू इन पार्ट ऑफ योर रिपोर्ट सजेस्टेड दैट सीपीओ साउद अजीज वाज इन फैक्ट टेकिंग ऑर्डर्स फ्रॉम हिम। नो दैट देयर वाज कम्युनिकेशन बिटवीन देम। What was the strict contents of that communication, we cannot say for certain, but it is evident that a police officer such as Mr. Saud Aziz evidently was thinking of who and how his superiors might be thinking about such sensitive issues such as the ones that he was handling. So our conclusion is he couldn't have done it alone. साउद अजीज कुड नॉट हैव डन इट अलोन, इनके साथ और लोग शामिल थे। जिन लोगों के ये जिक्र करते हैं मैं उनके नाम नहीं लेना चाहती, जावेद अब्बासी साहब की बात तो ठीक है वो आपकी हुकूमत में थे। कौन लोग? कुछ लोग ऐसे थे जो आपकी हुकूमत में कायम रहे दायम रहे इन द सेंस सिस्टम का एक हिस्सा बने। देखिए अगर आपका इशारा परवेज मुशर्रफ साहब की तरफ है, परवेज मुशर्रफ से अलावा देखिए साउद अजीज साहब के खिलाफ केस चला और केस चलने के बाद फैसला हो गया उनका। हमारा देखिए बुनियादी इशू क्या है, बीबी शहीद अपनी ज़िंदगी में आइडेंटिफाई करके गई कि लवेस हो सकते हैं मेरे ऊपर इंसिडेंट्स में, और आपको याद होगा 18 अक्टूबर का इंसिडेंट केम प्रायर इन टाइम और ये जो 27 दिसंबर था दिस वॉज ओनली रिपीट टेलीकास्ट। मिनिस्टर थे उन्होंने भी एक रिपोर्ट शाया की थी, इट वाज अ कट एंड पेस्ट ऑफ द यूएन रिपोर्ट, ठीक है, और जितनी भी तहकीकाती रिपोर्ट्स थी इसके अंदर जो बार बार हेराल्डो म्यूनिस कहते हैं वो ये कहते हैं कि जो इंक्वायरी थी वो बॉच्ड अप थी, पैरेलल इंक्वायरी हुई वो बॉच अप हो गई। बात सब यही कहते हैं कि आप लोगों ने तहकीकाती टीम के ऊपर ज्यादा जोर क्यों नहीं डाला, साफ शफाफ तहकीकात क्यों नहीं हो सकी इसके? मुझे टाइम लाइन जरा समझे ना, ये कोई सिविल क्रिमिनल केस है, इसके अंदर असल चीज़ है वो क्राइम इंसिडेंट। 27 दिसंबर को इंसिडेंट होता है 2007 में, हमारी हुकूमत मार्च में थी, 4 महीने का टाइम पीरियड गुजर चुका है, तमाम जो डेटास थे तमाम इन्फॉर्मेशन थी वो सब की सब उस वक्त की हुकूमत के पास थी जिसको परवेज मुशर्रफ साहब चला रहे थे, हम नहीं चला रहे थे। हु वॉच द एविडेंस, इसका जवाब तो आप ढूंढ ही सकते थे। अब हम तो बड़ा कैटेगोरिकली कहते हैं कि ये सुपीरियर अहकामात के बेसिस के ऊपर DIG साहब ने चीज़ की, और हम तो कि परवेज मुशर्रफ साहब प्राइमरीली इसमें रिस्पॉन्सिबल है। अब परवेज मुशर्रफ साहब को बजाय इसके कि इस तरह के वो सेंसेशनलाइजिंग स्टेटमेंट दें, उनको बेहतर ये होगा वो आए पाकिस्तान ट्रायल फेस करें, अगर वो समझते हैं वाकई में उनका रोल नहीं था तो ही शुड प्रूव हिज इनोसेंस। लेकिन ये क्या बात हुई कि आप आज बिलावल साहब की बर्थडे है आप उनको इस तरह का स्टेटमेंट, आज रावलपिंडी बेंच के अंदर केस लगा हुआ है आप इस तरह की बात करें। देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है,
क्या परवेज मुशर्रफ साहब जो आज अपने आप को बड़े नेक और फरिश्ता सिर्फ आदमी बता रहे हैं, क्या इन्होंने बीबी शहीद को सिक्योरिटी प्रोवाइड की थी, इन्होंने सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की? और जिक्र बार बार बीबी ने किया और वो करती रही, तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, अगर उस दिन जैमर होता, अगर आप सही कह रहे हैं कि जैमर्स नहीं थे, अगर जैमर होता तो 18 अक्टूबर को भी जैमर्स नहीं थे। मगर मुझे एक वक्फा लेना है, मगर वक्फे के बाद नाजरीन बात यह है कि जब हम बात करते हैं कि जी इन्वेस्टिगेशन किन केसेस के अंदर होनी चाहिए, किन केसेस के अंदर नहीं होनी चाहिए, हमने देखा है कि पाकिस्तान के अंदर किसी भी केस के अंदर कोई भी साफ शफाफ इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकी। टाउन केस के अंदर से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, और दूसरी तरफ से हमने ये देखा है कि और केसेस भी सामने आए हैं। सागडार साहब की तरफ से एक केस आया है, क्या सागडार साहब मुल्क वापस आएंगे, क्या ये हुकूमत जो है चल पाएगी, ये सारे बहुत सारे हैं, ये सब कुछ एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक से पहले बात हो रही थी बेनजीर भुट्टो साहिबा के और नाजरीन आज लाहौर हाई कोर्ट ने मॉडल टाउन से आने के हवाले से जस्टिस बाकी नजफी की रिपोर्ट को शाया करने का हुक्म दे दिया है, लेकिन पंजाब हुकूमत ने इंट्रा कोर्ट अपील करने का भी फैसला कर लिया है। नाजरीन इधर वजीर खजाना इसाक डार के काबिले जमानत वारंट गए हैं, नैब ने इनकी जायदाद और बैंक अकाउंट्स भी मुंजमित कर दिए हैं, और इसाक डार मुल्क से बाहर हैं, लेकिन इम्कान है कि वो अपनी वजारत से मुस्ताफी हो जाएंगे। जावेद अब्बासी साहब, ये बताइए कि क्या शरीफ खानदान इस माहौल के अंदर वापस आएगा, क्या मियां नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, और अब तो शहबाज शरीफ साहब बाहर जाएंगे तो वापस आएंगे? एक तो ये सारा माहौल हमने यहाँ रह के मियां साहब ने फेस किया है, सारी जब JIT की प्रोसीडिंग थी तो वो यहाँ थे, JIT के सामने पेश हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में पनामा का केस चलता रहा है। जी आप जानती हैं कि बेगम कुलसूम साहब उनको सेध दे, बड़ा सीरियस उनके ऑपरेशन थे, और फैमिली में जब इस तरह का कोई अचानक वो इलेक्शन नॉमिनेशन उन्होंने फॉर्म जरूर जाएंगे तो जरूर, मगर वापस आने का कोई तारीख आप दी गई है? उसी बार उन्होंने मियां साहब ने इनिशियली 8 तारीख को वापस आना था, 10 तारीख को हमने एबटाबाद में जलसा रखा हुआ था, चूंकि वहाँ पहले शायद ख्याल था कि एक ऑपरेशन होगा, अब आपको पता है कि आज भी वो अस्पताल में तीसरे ऑपरेशन के लिए, तो ये तो चूंकि हम सोचने चाहिए कि किसी भी फैमिली के साथ अल्लाह ना करे ऐसा कोई वाक्य हो, तो वो तो ज़रा फैमिली मौजूद होती है, बहुत जल्द मियां नवाज शरीफ साहब तशरीफ लाएंगे वापस इंशाल्लाह। तो इरादे हैं? इरादे नहीं बिल्कुल, ये शहबाज शरीफ साहब एक मीटिंग के लिए जा रहे हैं, ये मुल्क हमारा है, पार्टी हमारी है, हुकूमत अल्लाह के फजल से हमारी है, किसी चीज का ना कोई डरा, हम इसको फेस करेंगे, पब्लिक हमारे साथ है इंशाल्लाह, और ये अगले इलेक्शन का मार्क आने वाला है, मियां नवाज शरीफ साहब इस पार्टी को लीड करेंगे और इंशाल्लाह कैंपेन करेंगे। थर्ड में जाती है इंशाल्लाह। जावेद अब्बासी साहब के नहीं नहीं सर सर मैं उनसे एक सवाल कर लूं, इसाक अकबानी साहब आप तो लाहौर में बैठे हुए हैं, लाहौर में अफवाहें तो कुछ और ही हैं, आप भी उनसे बखूबी वाकिफ होंगे, आपको लगता है कि क्या शरीफ खानदान वापस आएगा? चूंकि ये भी बात हो रही है कि अगर शरीफ खानदान नैब के सामने पेश नहीं होता तो उस सूरत हाल के अंदर केस के अंदर कोई पेशरफ नहीं हो सकती, क्योंकि अक्यूज्ड जो है वो नैब के सामने होगा ही नहीं, तो कानूनी तौर पे कोई पेशरफ नहीं होगी। जी बीबी अगर आप इजाजत दें जी। मैं मुर्तजा के केस में, कत्ल के केस में मैं गवाह था, मैं एक दो चीजें आपको अर्ज करना चाहता हूँ। जरूर 20 सितंबर को उनको कत्ल किया गया, बेनजीर साहबा की हकूमत 4 नवंबर को यानी 45 दिन बाद हकूमत उनकी ख़त्म की गई, 45 दिन में एक सिपाही को भी नहीं किया गया, और जो मौके पे SHO था सयाल उसको पुलिस लाइन के अंदर गोली मार दी गई और वो मर गया। दूसरी बात यह है कि इनका ही चीफ मिनिस्टर था अब्दुल्ला शाह, ये खुद प्राइम मिनिस्टर थी, इनका भाई कत्ल होता है एक सिपाही गिरफ्तार नहीं होता, और 8:15 बजे रात है जी। और 10 बजे रात को तमाम फायर ब्रिगेड आकर वहां पर सारे सीन पे पानी साफ करके सारी चीज को सफा कर देते हैं, जिस तरह उनके ही केस में हुआ, बेनजीर साहब का कत्ल हुआ, बेनजीर साहब का कत्ल हुआ, और बड़ा अनफॉर्चुनेट, बड़ी ज्यादती वह यहाँ होते हैं, उनका कत्ल होने के फौरन बाद एग्जैक्टली यही चीज़ रिपीट होती है, और उसके 2-3 महीने बाद उनकी अपनी हुकूमत आती है,
जो स्कॉटलैंड यार्ड के एक रिटायर्ड बंदों को लेके आती है यहाँ इंक्वायरी कराने, और एक अपना यूएनओ से वो कराते हैं, उनको कितने लाख डॉलर देते हैं और 5 लाख। आज जिस तरह की लैंग्वेज आपने पहले पाकिस्तान की तारीख में संसद देखा, न सिर्फ लीडरों को, हमें तो जरूर कहें, कोई मजहबी लीडर उन्होंने नहीं छोड़ा, कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं छोड़ी। पहले ये इसी इलेक्शन कमीशन की तारीफें करते होते थे, जो इनके खिलाफ उन्होंने बात की उनको भी गाली देना हो सकता है। जावेद साहब, सुप्रीम कोर्ट इन्होंने लॉ को अच्छी तरह, माशाल्लाह आप सेनेटर हैं, क्या आपके जो लीडरान हैं वो नैब केसेस में सामने आएंगे? और अब तो ऐसा लग रहा है कि शहबाज शरीफ साहब के गिर्द भी घेरा तंग होता जा रहा है मॉडल टाउन केस के अंदर, वो जब जाएंगे तो क्या पूरे तरीके से वो वापस आके फेस करेंगे? मतलब उन्होंने कोई हतमी तौर पे आपको ये बताया कि हम जी इन डेट्स पे वापस आ रहे हैं और हम करेंगे? देखिए, ये रेफरेंस जो हमारे खिलाफ फाइल, इस पर बड़ी बात की जा सकती है, हमारी सीरियस रिजर्वेशन जरूर है अपने रेफरेंस के बारे में, लेकिन हमने पहले भी अदालतों का एहतराम किया है, हम पहले भी अदालतों में पेश होंगे, हम वापस आएंगे इंशाल्लाह, इन केसों का सामना करेंगे और अपने आप को इंशाल्लाह इनसे इज्जत के तौर पर, हमारे खिलाफ कोई करप्शन का केस नहीं है हमारे खिलाफ, हमें किस चीज़ का डर है? इतनी बड़ी GIT बनाई गई है, इतना बड़ी हमारे ऊपर इंक्वायरी हुई है, हमें सजा सिर्फ इस बात की दी गई, डिस्क्वालीफाई किया, एक लफ्ज इतना बोलने थे, इसलिए किया गया कि बेटे की कंपनी थी उससे ये पे ले सकते थे, वो रिसीवेबल थी, इन्होंने ले ली। बहस की है, मगर आगे बढ़ते हुए आपके लीडर के खिलाफ भी नैब जो है वो एक प्ली के अंदर चली गई है, आजकल बड़े कंफर्टेबल जोन में है। तो आप क्या देख रहे हैं कि क्या इमरान खान साहब के खिलाफ भी केसेस, नवाज शरीफ साहब तो आउट हो गए, शहबाज के खिलाफ भी केसेस, क्या होने जा रहा है जी इस मुल्क के अंदर? 2018 में इलेक्शन होगा। देखिए मुनीजे, एक तो कानूनी पहलू है, एक इखलाकी पहलू है, पहले इखलाकी पहलू की बात कर लें। हम इखलाकियात की बात करते हैं, अगर इखलाकी एतबार से देखें तो खान साहब को भी स्टे ऑर्डर के पीछे नहीं छुपना चाहिए, खान साहब को इलेक्शन कमीशन के सामने अपेयर होना चाहिए, और जो सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं उसका जी अगर शफाफियत है, ट्रांसपेरेंसी की बात है, रूल ऑफ लॉ की बात है, वो कहते हैं कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, तो उनको बिल्कुल पेश होना चाहिए और इस तरह के ऑर्डर्स के पीछे छुपना नहीं चाहिए। यही प्रिंसिपल जो है वो नून लीग के ऊपर भी अप्लाई करता है कि अगर इनका दामन साफ है कि जी मॉडल टाउन सानिया जो है वो सेल्फ क्रिएटेड नहीं था, उसके अंदर कोई क्रिमिनलिटी गवर्नमेंट की तरफ इन्वॉल्व नहीं थी, आखिर नचवी साहब की रिपोर्ट थी, उसको मंजर आम पे ले आते, पंजाब के अंदर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, आइन का आर्टिकल 19A है जो कहता है कि इन्फॉर्मेशन शुड बी रेडली अवेलेबल टू एवरीवन, तो अगर इनका दामन साफ है तो इनको सामने ले आना चाहिए था। सिमिलरली अब ये जो अकाउंटेबिलिटी रेफरेंसेज आए हैं, अगर ये कहते हैं कि झूठे हैं, ये मेरिट पर बेस्ड नहीं केसेस इनके खिलाफ फाइल किए गए हैं, तो ये साबित कौन करेगा? कोर्ट पे होगा या सड़क पे फैसला होगा? इनके पास अगर हर चीज के शवाहिद मौजूद हैं, दे शुड अपीयर बिफोर द अकाउंटेबिलिटी कोर्ट, अपने शवाहिद पेश करें और अपना डिफेंस साबित करने के बाद अक्विट हो जाएं। आप कैसे एग्री कर रहे हैं? एक सिर्फ मुझे बात, मैं बिल्कुल कहता हूं, पीपल्स पार्टी की जब आप बात करते हैं तो आपको याद होगा कि हमने प्रोसिक्यूशन और प्रोसिक्यूशन दोनों फेस की। 1996 नवंबर में आसिफ अली जरदारी साहब अरेस्ट हुए और 2005 के अंदर उनको सुप्रीम कोर्ट से बेल मिली। 9 साल वो शख्स जो है विदाउट एनी केस बीइंग प्रूव्ड अगेंस्ट हिम वो पाबंदो सलासल रहा। इस दौरान आपको याद होगा किस तरीके से लाहौर हाईकोर्ट के जज साहिबान को इनकी गवर्नमेंट फोन करती थी और फोन करने के बाद फैसला लिया गया आसिफ अली जरदारी साहब और बीबी शहीद के खिलाफ, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को सस्पेंड किया उन टेप्स के मंजर आम पे। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोर्ट्स का सामना किया है। जब आप कहते हैं कि जी मैं इनसे अग्री करता हूं, तो आप क्या ये कह रहे हैं कि आपकी पंजाब की हुकूमत को मॉडल टाउन केस की जो एक रिपोर्ट थी बाकिर नचवी की रिपोर्ट, वो सामने देखिए रिपोर्ट तो ये है कि एक फैक्ट फाइंडिंग एक रिपोर्ट है जिसको बेस करके आगे चलाना था। बिल्कुल उसमें कुछ चीज़ें शायद ऐसी हैं जिनका मैं जिक्र यहाँ करना मुनासिब नहीं समझता, शायद अब अदालत में जाएंगे तो चीज़ें खुल जाएंगी। कुछ लोगों ने बैठ के ये फैसला किया कि इससे शायद अफरा तफरी ज़्यादा फैलेगी, इसमें शायद ऐसे मजहबी चीज़ें कुछ हैं जो बाद में फिरका वराना चीज़ें बाद में सामने नहीं आनी चाहिए। अगर इससे कोई ऐसा मुल्क का फ़ायदा ना हो सके, कोई मुल्क का नुकसान हो सके, नुकसान हो सके, तो इस चीज को अगर कोई मद्देनजर रख कर उन्होंने कोई ऐसा इकदाम किया, बार बार हुकूमतें ऐसा इकदाम करती हैं, यही हुकूमतें होती हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राणा सनावला साहब ने भी लिया है। मैं आपसे एक आखिरी एक बात, जी जी, ये जा रहा है अभी हमने बड़ा बेंच बनने जा रहे हैं, ट्रक कोर्ट अपील
लोगों में सामने वाजह हो जाएगी। अगर अदालत ने देख के समझा कि वाकई ये होनी चाहिए तो फौरन होनी चाहिए, फिर उनको कोई रुकावट नहीं डालेंगे। लेकिन अगर बेंच ने, मुझे यकीन है कि अगर वो सारी चीज़ें जब उनके सामने कल लाई जाएंगी, दिखाई जाएंगी, तो उसके बाद उन पर फैसला छोड़ देना चाहिए। मैं वो जो अकाउंटेबिलिटी रेफरेंस था उसके ऊपर थोड़ा सा कॉमेंट कर लूँ। ये बात सही है कि अगर अक्यूज अदालत के सामने पेश नहीं हो तो ट्रायल नहीं चल सकता, लेकिन नैब ऑर्डिनेंस के अंदर सेक्शन 31 कैपिटल जो कहता है इन एब्सेंशिया ट्रायल चला सकते हैं वो, और सज़ा 3 साल की उसके अंदर मुख्तस की गई है। दूसरी अहम चीज़ मुनीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि सेक्शन 23 नैब ऑर्डिनेंस का कहता है कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी जो अक्यूज की है ना वो वॉइड हो जाएगी। ये सबसे अहम चीज़ है कि जल्द अज जल्द अगर शफाफियत ऑब्जेक्टिविटी प्रूफ करनी है और अकाउंटेबिलिटी कोर्ट को भी मामला मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है तो जो इनकी इंटरनेशनल एसेट्स हैं उनको फ्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि असल जायदाद तो ये मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू पाकिस्तान से बाहर ले जा चुकी है। लास्ट कंक्लूडिंग रिमार्क्स मैं आपकी तरफ आऊंगी, इसलिए चूंकि पाकिस्तान कह चुकी है कि जी वजीर खजाना को मुस्ताफी हो जाना चाहिए, क्या आप समझते हैं कि ये एक तरफ से वजीर खजाना को मुस्ताफी हो जाना चाहिए, और दूसरी तरफ ये भी मैं आपसे पूछूंगी कि राणा सनाउला साहब भी कह चुके हैं कि जी अगर हम बाकी नजफी रिपोर्ट सामने लेके आएंगे तो फिरका वराना एक एस्पेक्ट है जिसके ऊपर हम नहीं चाहते कि कोई कॉमेंट करे या उसे कोई मजीद हालात खराब हो। नंबर वन तो कोई जवाब नहीं है अपना डार साहब के रहने का, कोई जवाब नहीं है ना अखलाकन ना कानूनन, मतलब है अक्यूज पार्टी उसके ऊपर इल्ज़ाम है उसको वैसे ही चला जाना चाहिए था। अब तो उसके ऊपर उसकी जायदादें जब्त हो गई हैं, चीज़ें जब्त हो गई, तो उसको वैसे ही इसका इसके ऊपर तो कोई बहस की बात ही नहीं है। आज तक ऐसे नहीं हुआ कि किसी को भी इल्ज़ाम हो और उसको अपना कुर्सी के ऊपर चमटा रहे। दूसरी बात यह है कि राणा साहब के वजीर आला साहब ने सबके सामने जो आज सारी दुनिया को फिर दिखाया गया, हमारे यहाँ मेमोरी लॉस है थोड़ा सा लोगों में, उन्होंने खुद कहा कि एक दिन के लिए मैं नहीं रहूँगा, एक मिनट के लिए अगर मैं नहीं रहूँगा और जो ये वो मैं शाय करूंगा, उसमें फिरका वारियत कौन सा यहाँ पर अपना ये हिंदू मुस्लिम फसाद हो रहा था, एक मौली साहब के घर में जहाँ पर ये पढ़ते रहे हैं या इनको नमाज पढ़ाता रहा है उसके घर जाकर 14 गरीब लोगों को गोली मारी है, इसमें क्या फिरका वारियत है बीबी? बहुत आपने अहम सवाल किया है, वाकई में मेरा ख्याल है लेट द लॉ टेक इट्स कोर्स, कम अज कम दैट्स व्हाट वी कैन कंक्लूड इन दिस प्रोग्राम। वी आर आउट ऑफ टाइम, बहुत बहुत शुक्रिया खाकवानी साहब, जावेद अब्बासी साहब, मुर्तजा वहाब साहब हमारे इस प्रोग्राम में आने का। इतना ही आज के लिए, फिर मिलेंगे अगले हफ्ते।